बात है, मैं आज भी कह रहा हूँ इंडिया पहले नंबर पे आएगा। किस चीज में? हर चीज में, मईशत के लिहाज से। बिल्कुल हर चीज में। इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है कि यूके से इंग्लैंड से भारत अपना पूरा का पूरा 100 टन का सोना यानी कि 1,00,000 किलोग्राम का सोना वापस मंगवा रहा है। आप कहेंगे इतना बहुत सारा गोल्ड, इंडिया का ये गोल्ड यूके में क्या कर रहा था, इंग्लैंड में क्या कर रहा था, क्या उनको उधार दे रखा था या क्या था? अभी मौजूदा की बात करूं तो लगभग 800 से 900 टन के दरमियान भारत के पास गोल्ड मौजूद है। भारत के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इंडिया के जो लोग है या इंडिया का जो मोदी है, मोदी बड़ा जेन रखता है। बनिया दिमाग है। बनिया है वो। और उसने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना एक टहलका मचाया हुआ है। बिल्कुल मचाया हुआ, ऐसे ही है। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। क्या है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड 1,00,000 किलोग्राम गोल्ड 1,00,000 किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। हमारी जो इन्फ्लेशन की वजह है उसकी मेन रीजन यही है कि गोल्ड रिजर्व्स भी नहीं है, दूसरा हमारी जो इकोनॉमी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों भारत ने ब्रिटेन को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है और अब भारत ब्रिटेन से अपना अरबों रुपए का सोना वापस लेने जा रहा है। बिल्कुल, मोदी ये सोच रखता है कि जो आलमी दुनिया की जो बड़ी अदालतें हैं या मसलन बड़े बड़े जहाँ पे डॉलरों में या वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनका पैसा भी हमारे पास रहे और मेरे लोग आगे जाएं, ये लोग पीछे रहें। तो सर वो कर भी तो ऐसे रहा, देखिए दुबई सारा आज इंडिया के गुण गाता है। दुबई में सब पाकिस्तानियों को वीजे बंद करके इंडिया को कह रहे आओ, दुनिया हर एक मुल्क जिसके साथ देखो इंडिया के साथ तलुकात बेहतर करना चाहता, हमारे साथ कोई तलुकात बेहतर नहीं करना चाहता। हमारे किसकी नायली है? हमारी नायली है। तो हम दूसरी बात यह कि हमारी सोच है महदूद। अच्छा, हम सोचते अपना बस, मेरा घर बने, मेरे गाड़िया बंगले हो, मेरे आगे प्लाजे ये पेट्रोल पंप वगैरह, मेरी गाड़ियां चलती हूँ, चलाए दूसरा कुछ भी करे। अच्छा, ठीक है ना। वो सोचते अपने मुल्क के लिए, वो कहते कि नहीं यार आने वाले वक्त के लिए कि मेरे साथ या मेरे बच्चे या मेरी फैमिली या मेरे मुल्क के कोई आदमी पीछे ना रहे। अच्छा, फर्स्ट पे जाना चाहिए। एक्यूरेट, एग्जैक्टली, ऐसे ही है। बिल्कुल सही बात। अब दरअसल हाल ही में यह न्यूज निकल कर आई है कि RBI ने ब्रिटेन से अपना सोना वापस लाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यह वह सोना नहीं है जैसे कि ब्रिटेन के नागरिक भारत से लूट कर गए थे, बल्कि यह RBI का स्वर्ण मुद्रा भंडार है जिसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए RBI का यह स्वर्ण मुद्रा भंडार ब्रिटेन समेत अन्य विदेशी बैंकों में रखा जाता है ताकि यह पूरी तरह से सुरक्षित रहे, क्योंकि RBI को शुरू से ही इस बात का डर रहा है कि भारत में यह स्वर्ण मुद्रा भंडार सुरक्षित होगा या फिर नहीं होगा। और इसीलिए भले ही आज भारत का स्वर्ण मुद्रा भंडार 822 टन हो चुका है, लेकिन इसमें से केवल 308 टन सोना ही भारत में रखा गया है, बाकी का 514 टन सोना आज भी विदेशी बैंकों में रखा हुआ है। तो अब इस स्वर्ण मुद्रा भंडार को ब्रिटेन समेत विदेशों से भारत वापस लाया जा रहा है। न्यूज और रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि सबसे पहले ब्रिटेन से तकरीबन 100 टन सोना वापस भारत आएगा। आपको बता दें कि RBI और भारत सरकार का अब यहां पर कहना है कि भारतीय स्वर्ण मुद्रा भंडार भारत में पूरी तरह से सुरक्षित है और अब से इसको भारत में ही रखा जाएगा। भारत सरकार और RBI के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रियां हैं इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से इन्होंने रशिया के बहुत सारे गोल्ड और बहुत सारे डॉलर को फ्रीज कर दिया है और आज वो डॉलर और गोल्ड इनका हो चुका है। तो हो सकता है कल के दिन ये भारत से भी किसी बात पर नाराज हो जाएं और भारत के भी गोल्ड को फ्रीज कर दें और भारत का सारा गोल्ड अपने नाम पर कर लें। तो इसीलिए भारतीय गोल्ड रिजर्व भारत में ज्यादा सुरक्षित होगा और इसीलिए भारत सरकार और RBI ने मिलकर यह फैसला लिया है कि इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है। आप कहेंगे इतना बहुत सारा गोल्ड, इंडिया का ये गोल्ड यूके में क्या कर रहा था, इंग्लैंड में क्या कर रहा था, क्या उनको उधार दे रखा था या क्या था? तो ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हुकूमतें हिंदुस्तान, भारत की हुकूमत का ये फैसला है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड 1,00,000 किलोग्राम गोल्ड 1,00,000 किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। और
इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है, और ये गोल्ड, भारत का ये गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में मौजूद है एक डिपॉजिट की तरीके से। ऐसा क्यों है? तो देखिए, 1991 में ये किया गया था कि उस वक्त सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए 1991 में भारत में, कि उन्होंने, उस वक्त की हुकूमत ने अपना गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में रिजर्व के तौर पर या डिपॉजिट के तौर पर रखने का फैसला किया। और इस वक्त अगर आप ये जानें कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है, 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को, वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है? जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में, भारत में जो पहुंचे थे वो उसको सोने की चिड़िया समझ कर ही पहुंचे थे, और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के जखायर लेकर चले गए। लेकिन अब वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है, लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है कि जो वो चुरा कर लेकर गए, ये वो गोल्ड है जो कि भारत का ही गोल्ड है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 91 में उस वक्त की हुकूमत ने इसको इंग्लैंड के पास रखा था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही या भारत ने ही अपना गोल्ड जो है वो वहां पर रखा हो। दुनिया के कई एक ऐसे कंट्रीज हैं कि जिन्होंने अपना गोल्ड इंग्लैंड में रखा हुआ है, और वैसे तो इंग्लैंड के अपने, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड उसको इस्तेमाल कर सके या उससे बर्तानिया को कोई खास बड़ा अपना जाती फायदा हो, क्योंकि बर्तानिया के जो अपने गोल्ड के रिजर्व्स हैं वो तो काफी कम है। भारत में वैसे तो गोल्ड की डिमांड बहुत होती है। कहते हैं कि जो भारत की खवातीन है, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो गोल्ड को बहुत पसंद करती हैं। खैर, ये तो आपको पता है कि उस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया जो कि कभी एक ही हुआ करते थे, उनके अंदर ये शौक दोनों के अंदर बहुत ज्यादा वहां की खवातीन में पाया जाता है। वहां की फीमेल्स गोल्ड पहनना बहुत पसंद करती हैं, और आप जानते, बल्कि अभी इसकी एक मिसाल ये है कि अभी जो मुकेश अंबानी है उनके बेटे की एक और प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है, ये सेकंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन उनकी होने जा रही है जो कि एक क्रूज पर होगी, और उसके लिए जो इंतजाम किए गए हैं, और उस शादी में जितना गोल्ड इस्तेमाल हो रहा है तो आंखें चका चदा